हर वर्ष की तरह इस साल भी सन 2018 वर्ष में कल्याण शहर के शहंशाह हजरत निजामुद्दीन खामोश बाबा रहमतुल्ला अलैह का जंगी संदल 3 दिनों तक मनाया गया। 3 अप्रैल से लेकर 5 तारीख तक ये शानदार उर्स संदल मनाया गया। दरगाह ट्रस्ट की ओर से ये संदल की कार्रवाई की गई। मज़ार पाक पर गुसल, संदल, गुलपोशी की रस्म अदा की गई। कल्याण शहर सहित आसपास की जनता ने भी कोलीवाड़ा खामोश बाबा की मज़ार शरीफ तक पहुंचकर चादर गलेफ नियाज फातिहा खानी की। हर साल भी सर, इस साल भी जैसे धूमधाम से संदल हुआ, लोग आए, नियाज बनाए, है ना, गैर भी आते, हर हर धर्म के आदमी आते और अपने मुरादी भर के यहाँ से भी आते हैं, और शान शौकत के साथ में हर साल में, इस साल भी अच्छा ही है, हर साल की तरह इस साल भी बहुत अच्छे से हुआ है। क्या मन्नत मुबारक मांगी जाती है? क्या मांगी जाती है? सबकी मन्नत मुरादी पूरी होती है, जिसकी मन्नत मुरादी पूरी हो गई, चाहे अपने हिस्से से कोई लंगर बनाता है, कोई नियाज करता है, कोई चादर चढ़ाता है, कोई उनका चादर चढ़ाता है, कोई कपड़े की चादर। पीराने तरीकत का शानदार नज़ारा हज़रत निज़ामुद्दीन खामोश बाबा के दरबार में नज़र आया। रफाई सिलसिले के पीर मुर्शिद मुमरा के वली सिफत हज़रत मोइन बाबा बर्तनवाला के मार्गदर्शन में तमाम फोकरा मुरीद अकीदतमंदों ने मोइन बाबा के मुरीद अनवर हुसैन इबन अली को खिलाफत अता की गई और उन्हें सारे अधिकार दिए गए। इस मौके पर कव्वाली रातिब फातिहा खानी भंडारा स्वागत की रस्म अदा की गई। इस मौके पर शब्बीर अली शाह के अन्य फकरा कार्रवाई शरीफ में शामिल थे। खामोश बाबा निज़ामुद्दीन खामोश रफाई सिलसिले के बानी, रफाई सिलसिले के पीर है, और हम इनके पोते बोले जाते हैं, हमारे दादा पीर होते हैं। इनके नवासों की तरफ से हमको खिलाफत मिली, आज हमने खिलाफत का सिलसिला यहाँ से शुरू किया। आज मैंने मेरे बच्चे की, मेरे मुरीद को खिलाफत दी रफाई कराने से। रफाई सिलसिले को अल्लाह आबाद करे, खुश करे, चला करे, ये मुरीद है। करम कर करम की बार है, अगर करम हो जाए तो फल में बेड़ा पार है। करम करम के तुझे सब करीम कहते हैं, इलाही तुझको गफूर रहीम कहते हैं, इलाही तुझको गफूर रहीम कहते हैं। मोहम्मद मुस्तफा क्या करूं मेरी शान।